दोस्तों अक्सर डरावने व हॉरर फिल्मों में दिखाया जाता है कि बच्चों के खेलने वाले गुड्डे और गुड्डियों में बुरी आत्माएं बस जाती हैं, जिसके कारण लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। आपने हॉलीवुड में एनाबेल नाम की एक डॉल पर बनी फिल्म देखी या सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको कोई फिल्मी नहीं बल्कि रियल में एक डॉल की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसको दुनिया की सबसे श्रापित डॉल माना जाता है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इस डॉल को छू ले तो उसकी मौत तय हो जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हॉन्टेड डॉल आज भी दुनिया में मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों रॉबर्ट नाम की इस डॉल को साल 1904 में जर्मनी के अंदर स्टाइफ नाम की एक कंपनी में बनाया गया था। ये कंपनी अपनी हाई क्वालिटी टेडी बियर बनाने के लिए आज भी पूरी दुनिया में फेमस है। इस डॉल के असल मालिक का नाम रॉबर्ट यूजीन ओटो था, जिन्हें बचपन में ये डॉल उनके दादाजी द्वारा गिफ्ट की गई थी। इस डॉल को पाकर यूजीन बेहद खुश थे क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा था और इस तरह की डॉल उस समय दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती थी। नन्ही यूजीन को इस डॉल के रूप में उसका एक नया दोस्त मिल गया था। यही वजह थी कि यूजीन को बहुत कम समय में ही इस डॉल से इतना लगाव हो गया था कि वो इसको एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करता था। साथ ही उसने अपने कमरे में इसके लिए एक अलग से अलमारी भी बना रखी थी। इस अलमारी के अंदर वह इसके जूते, कपड़े व दूसरे सामान रखता था। यहाँ तक कि रात में भी वह इस डॉल को अपने साथ ही लेकर सोता था। और हैरानी की बात तो ये थी कि वह दिन भर इसके साथ खेलते हुए इससे बातें भी करता था। यूजीन के माता पिता को उसका डॉल से बातें करना काफी अजीब लगता था, लेकिन फिर भी वह बच्चा समझकर उसकी इन हरकतों को नजरअंदाज कर देते थे। हालांकि कुछ समय बाद ही इनके घर के अंदर कुछ ऐसी अजीब चीजें होने लगी जिनको इग्नोर करना उनके लिए नामुमकिन हो गया। दरअसल हुआ ये कि यूजीन के माता पिता को अक्सर उसके कमरे का सामान इधर उधर बिखरा व टूटा हुआ मिलता था। यहाँ तक कि उसके कमरे की कुछ चीजें तो रहस्यमय तरीके से गायब भी होने लगी थी। यूजीन के पेरेंट्स को लगता था कि ये शरारतें उनका बेटा ही कर रहा है, इसलिए इन सब के लिए वह हमेशा अपने बेटे को डांटते रहते थे। यूजीन अपने पेरेंट्स से हमेशा कहता था कि ये सब हरकतें वो नहीं बल्कि उसकी डॉल करती है। हालांकि उसके पेरेंट्स को उसकी इन बातों पर कभी भी विश्वास नहीं होता था और वह यूजीन को ही इन सब का कसूरवार मानते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जब पहली बार उसके पेरेंट्स के मन में ये ख्याल आया कि शायद उनका बेटा उनसे झूठ नहीं बल्कि सच बोल रहा है। दरअसल हुआ ये कि देर रात यूजीन की आंख अचानक से खुली तो उसने देखा कि उसकी डॉल बेड पर उसके पैरों के पास बैठी हुई थी। और जैसे ही उसने बिस्तर से उठकर डॉल की तरफ देखा तो कमरे का सामान अपने आप ही इधर उधर गिरने और बिखरने लगा। कमरे में रखी मेज और कुर्सी दीवारों से टकराने लगी और कमरे का माहौल ऐसा हो गया जैसे वहाँ कोई भूचाल आया हो। इन सब चीजों के हिलने डुलने, गिरने और टकराने से कमरे में बहुत ज्यादा शोर होने लगा और साथ ही यूजीन भी ये सब होता देखकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। इस शोर की आवाज सुनकर यूजीन के पेरेंट्स जाग गए और उन्हें लगा कि शायद उनके बेटे के कमरे में कोई चोर घुस आया है। यही सोचते हुए वे तेजी से उसके कमरे में गए, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। दरअसल कमरे का सारा सामान बिखरा और टूटा हुआ पड़ा था और यूजीन एक कोने में बैठकर बुरी तरह रो रहा था। उसके पेरेंट्स ने जब गौर किया तो पाया कि कमरे में रॉबर्ट डॉल ही एक अकेली ऐसी चीज थी जो अपनी जगह पर रखी हुई थी और ये बात उन लोगों को काफी ज्यादा अजीब लगी। इस घटना के होने के बाद हालात और भी ज्यादा खराब होने लगे क्योंकि यूजीन का अपनी इस डॉल के साथ लगाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वह कई कई घंटे लगातार अपनी इस डॉल से बातें करता रहता था और इसी के चलते उसके पेरेंट्स को भी थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हो गया था कि शायद इस डॉल के अंदर कोई गड़बड़ है। इसलिए उन्होंने अपने बेटे की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दिया था। वह अक्सर यूजीन के कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर उसकी बातों को सुनते थे। कई बार उन्हें कमरे से उनके बेटे के अलावा एक और आवाज भी सुनाई देती थी, जिसको सुनकर उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उनके बेटों की बातों का जवाब दे रहा हो। और जब वो इस आवाज को सुनकर यूजीन के कमरे में जाते तो उन्हें वहाँ अपने बेटे और उसके डॉल के अलावा और कोई नहीं मिलता था। जब वो यूजीन से पूछते कि वह किससे बातें कर रहा था तो इसके जवाब में यूजीन अपने डॉल की तरफ उंगली से इशारा कर देता था। यूजीन से बातें करते हुए रॉबर्ट डॉल को जब भी गुस्सा आता तो वह कमरे का सामान इधर उधर गिरना और हवा में
उड़ना शुरू हो जाता था और जैसे ही यूजीन के पेरेंट्स कमरे में आते तो सामान अपने आप हिलना डुलना बंद हो जाता। साथ ही उसके कमरे के दूसरे खिलौने और डॉल्स भी अक्सर टूटे हुए मिलते थे। इस डॉल की इन अजीब हरकतों को सिर्फ इस घर के लोग ही नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाले लोगों के बच्चे भी महसूस कर चुके थे और डॉल के श्रापित होने की बात पूरे मोहल्ले में बहुत तेजी से फैल गई थी। दरअसल पड़ोस के बच्चों का ये कहना था कि यूजीन के स्कूल जाने के बाद ये डॉल उन्हें अक्सर यूजीन के कमरे की खिड़की के पास खड़ी हुई नजर आती थी और फिर कुछ समय बाद जब ये बच्चे दोबारा ऊपर की तरफ देखते तो अपने आप खिड़की से गायब हो जाती थी। इसी तरह एक बार एक प्लम्बर ने भी इस डॉल की कुछ अजीब हरकतों को नोटिस किया था। असल में ये प्लम्बर यूजीन के घर काम करने गया हुआ था और जब ये काम कर रहा था तो इसको यूजीन के कमरे से बच्चों के खेलने की आवाजें आने लगी। ये आवाजें सुनकर उसको काफी हैरानी हुई क्योंकि घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। उसने इन आवाजों के रहस्य का पता लगाने के लिए कमरे का दरवाजा खोल कर देखा लेकिन कमरे में यूजीन के खिलौनों के अलावा और कोई भी नहीं था। ये देखकर वो प्लम्बर भी अभी वहाँ से लौट ही रहा था कि उसको कमरे में फिर से वही आवाजें आने लगी। वह दौड़ता हुआ दोबारा कमरे में पहुँचा तो वहाँ का नजारा देख कर उसके होश उड़ गए। अभी एक पल पहले जो खिलौने उसने खिड़की के पास रखे हुए देखे थे अब वे खिड़की से काफी दूर फर्श पर पड़े हुए थे जबकि रॉबर्ट डॉल अभी भी खिड़की के पास ही थी। इस डॉल से जुड़ी इस तरह की बहुत सी हरकतें यूजीन के परिवार और आसपास के लोगों ने नोटिस की थी लेकिन यूजीन के पेरेंट्स को इस बात का पक्का यकीन कभी भी नहीं हुआ कि ये डॉल श्रापित भी हो सकती है। इसलिए उन्होंने इन सभी अजीब हरकतों के होने के बावजूद भी इस डॉल को कभी अपने घर से नहीं निकाला। यूजीन इस डॉल के साथ इसी तरह खेलते हुए बड़ा हुआ और स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके पेरेंट्स ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क भेज दिया। पढ़ाई के ही सिलसिले में यूजीन को पेरिस भी जाना पड़ा जहां उसने एक लड़की से शादी कर ली और इन सब के दौरान वह कई साल इस डॉल से दूर रहा। हालांकि शादी करने के बाद ये डॉल यूजीन की जिंदगी में एक बार फिर से आई। दरअसल हुआ ये कि शादी के बाद यूजीन अपनी पत्नी को लेकर पेरिस से वापस अमेरिका शिफ्ट हो गया और जब वो अपने पेरेंट्स के घर से अपना सामान लेने के लिए गया तो वहाँ उसको अपने कुछ पुराने खिलौने भी मिले जिनमें रॉबर्ट डॉल भी शामिल थी। अब चूंकि इस डॉल से उसका पूरा बचपन जुड़ा था इसलिए वह इसको अपने नए घर में ले आया और हैरानी की बात तो ये हुई कि सिर्फ कुछ ही दिनों में बचपन की तरह ही यूजीन के सर पर उस डॉल का भूत फिर से सवार हो गया। वह हर समय उसी के बारे में सोचता और उससे बातें करता रहता था। ये बातें यूजीन की पत्नी से बर्दाश्त नहीं हुई इसलिए उसने डॉल को घर के ऊपर बने एक स्टोर रूम में बंद करवा दिया लेकिन इस तरह कमरे में बंद किया जाना रॉबर्ट डॉल को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने एक बार से वही सब हरकतें करना शुरू कर दिया जो वो यूजीन के बचपन में किया करती थी। ये डॉल यूजीन के पड़ोसियों को अक्सर घर के ऊपर वाले कमरे की खिड़की पर बैठी हुई नजर आती और जैसे ही लोगों की नजर इसके ऊपर से हटती तो ये एक सेकंड में वहाँ से गायब हो जाती। लोगों को डॉल की ये हरकतें बहुत ज्यादा अजीब और खौफनाक लगती थी इसलिए इस पूरे इलाके में इस डॉल के हॉन्टेड होने की खबर फैल गई थी। इसके अलावा यूजीन के घर में जो भी मेहमान आता ये डॉल उसको भी खूब परेशान किया करती थी। लोग बताती थी कि उन्हें यूजीन के घर में ऊपर वाले कमरे से कदमों की आवाजें आती हैं और रात को सोते समय उनके कमरे का सामान अपने आप हिलने और गिरने लगता है। इन सब बातों को सुनने और अजीब चीजों को खुद महसूस करने के बावजूद भी यूजीन ने इस डॉल को कभी खुद से दूर नहीं किया और पूरी जिंदगी इसको अपने साथ अपने घर में ही रखा। साल 1974 में यूजीन की मौत होने के बाद ये घर एक महिला ने खरीद लिया और इस तरह 70 साल यूजीन के पास रहने के बाद ये डॉल इस महिला के पास आ गई। इस महिला ने भी इस डॉल को लगभग 20 साल अपने पास रखा और इसके बाद इसको फ्लोरिडा के फोर्ट ईस्ट मॉन्टेलो नाम के एक म्यूजियम में ये कहते हुए डोनेट कर दिया कि ये डॉल श्रापित है। शुरुआत में म्यूजियम के स्टाफ को डॉल के श्रापित होने की बात पर यकीन नहीं हुआ लेकिन इस म्यूजियम में आते ही रॉबर्ट डॉल ने अपना ऐसा आतंक मचाया जिसने इन लोगों के होश उड़ा कर रख दिए। दरअसल ये लोग इसको डिस्प्ले के लिए जिस भी बॉक्स में अंदर रखते थे ये उसको तोड़कर अपने आप बाहर निकल जाती थी। इसके अलावा ये म्यूजियम में रखी दूसरी कीमती चीजों को भी तोड़कर बर्बाद कर देती थी। आखिरकार जब इन लोगों ने इसको एक मजबूत कांच के अंदर कैद किया तब जाकर इन अजीब हरकतों के होने का सिलसिला बंद हुआ। आज भी ये हॉन्टेड डॉल इसी म्यूजियम के अंदर रखी हुई है और हजारों लोग हर साल इसको देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इसके बारे में ये बताया जाता है कि अगर कोई इसकी इजाज़त लिए बिना इसके
फोटो लेने की कोशिश करता है तो उस व्यक्ति का कैमरा काम करना बंद कर देता है। साथ ही म्यूजियम से बाहर जाने के बाद उन लोगों के साथ दर्दनाक घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की जॉब चली जाती है तो किसी को कारोबार में नुकसान हो जाता है। यही वजह है कि लोग इस डॉल से माफ़ी मांगने के लिए इसको लेटर भी लिखते हैं ताकि ये डॉल अपना श्राप उनके ऊपर से हटा ले। वैसे आपको अगर मौका मिले तो क्या आप इस म्यूजियम में जाकर इस डॉल की इजाज़त लिए बिना इसके फोटो क्लिक करने की हिम्मत कर पाएंगे? तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।